हाय गाइस, ये हमें ये हमारी बुलेट है और हम कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। हम जा रहे हैं हरिद्वार कुंभ के मेले जाएंगे। गाइस, हम चल रहे हैं फ्लाई ओवर के ऊपर। रोड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, एक भी गड्ढा नहीं है रोड में और बड़ी अच्छी रोड है। बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो आप ये देख रहे हैं कि एक योग ध्यान केंद्र है जहाँ पर योगा के साथ साथ मेडिटेशन भी किया जाता है। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करने, दूर दूर से भी आते हैं। आप जानते ही हैं हरिद्वार नगरी जो है ज़्यादातर ऋषिकेश के मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। और ये हमारा कुंभ मेला 2021 का स्वागत हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा माँ अब हमें नज़र आने लगी हैं और लाइटिंग देखिए रोड पे कितनी अच्छी लग रही है। लोहे का फ्लाई ओवर बना रखा है, पुल बना रखा है और हम कुछ ही देर में अब हरिद्वार पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हल्की पेड़ी होती है। तो आप ये भी बताइएगा आपको बाइक पे ज़्यादा घूमना अच्छा लगता है या कार से या पैदल? देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ओम बना हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है यार। और पहाड़ भी देख सकते हैं आप, इनके पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके महिला को देखने के लिए बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। दीवार पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग के कलर किए हैं यहाँ पे। सारे बोले बैठे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाने बज रहे हैं बेहतरीन। यहाँ पे पैदल यात्री जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं वो रास्ते में दिख रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं आगे। आप कांवड़ वालों को देख सकते हैं, हम जब आप सामने देख सकते हैं लोगों के रोड क्रॉस करने के लिए फ्लाई ओवर बना रखा है छोटा सा। और आप इधर देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं कुंभ के लिए कितनी अच्छी भीड़ लगी पड़ी है। और थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बड़े छोटे छोटे कैंप बना रखे हैं आपने, देखिए कितनी भीड़ है। ये कुंभ का मेला एक तरीके से हिंदुओं की श्रद्धा का मायने से बहुत वो माना जाता है। तो फ्रेंड अब हम लगाएंगे अपनी बाइक को पार्किंग में। इधर हम आए हैं, ये है धोबी घाट पार्किंग, यहाँ पे हम पार्किंग देखेंगे। अब क्या रुक रहेगा, कहाँ पे रुकेगा, ये तो देख के तभी तो रुकेगा पार्किंग। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना क्राउड है यहाँ पर। कोविड होने के बाद भी लोगों में इतनी श्रद्धा देखने को और कहाँ मिल सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट है, लोग यहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, प्रसाद वर्षाद की सबकी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन लेडी भगवान का गाना गाते हुए
बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर जो राधा कृष्ण के ध्यान करते हैं और उनके गाने खूब गाया करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये मंदिर देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है यहाँ पर, कुंभ की बहुत अच्छी तैयारी की गई है यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा। होटल भी बुक हो जाते हैं, होटल भी नहीं मिल पाते, बहुत भीड़ रहती है। तो हम अब खाना खाने वाले हैं, हमारे साथ प्रदीप जी भी है। तो अगर आपको ये भूख लग रही है तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं हम हैं जूना अखाड़े के पास, यही कुंभ की सबसे मेन चीज़ें होती हैं। ऐसे उठते हैं साधु वाधु जो आते हैं टेंट वेंट लगा के, सही है क्योंकि जला रखे लकड़ी, सही है भैया टेंट वेंट लगा रखा है वो लोगों ने अपने रुकने के लिए। कौन सा अखाड़ा है? हाँ भैया जूना अखाड़ा ये जूना अखाड़ा है दोस्तों। और इससे ये जो देख रहे हैं आप ये वो बना रखे हैं लोगों ने जो साधु वाधु आए हुए रहने के लिए इनके। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सबके पास कितना सारे कावड़े हैं, यहाँ पे सभी रुके पड़े हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये गंगा माँ बह रही है यहाँ से, डेकोरेशन देख सकते हैं आप कुंभ के मेले के लिए क्या बेहतरीन कर रखी है। और ये गंगा जी का पानी देखिए बहुत तेज़ी से बह रहा है और पानी की वजह से यहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी सी भी हो रही है और पानी बहुत ठंडा है और लोग फिर भी इसके अंदर नहा रहे हैं, लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा दोस्तों। क्या बोल रहा है, देखिए कैसे नहा रहे हैं लोग इतनी ठंड होने के बाद। और हमारे एक दो दोस्त हैं वो तो गर्मियों में बिना नहीं नहाते हैं। तो आप व्यू देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है, गंगा माँ बह रही है यहाँ पे देखिए। और ये सामने पुल है जिसके ऊपर लाइट जल रही है, बहुत अच्छी तैयारी की गई है यहाँ पे। यहाँ पे बराबर में हमारे ये है होटल गंगा लहरी लहर वाले बगड़ बम 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 लहरी। और बहुत बेहतरीन हवा चल रही है एकदम। जब हम यहाँ नीचे की तरफ थे जहाँ पे कांवड़ियाँ हैं तो थोड़ी गर्मी से लग रही थी, पर अब ऊपर आने के बाद तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कांवड़े सजी पड़ी हैं सुंदर सुंदर, इनके ऊपर टैडी भी लगाए हुए रखे हैं। और आप ये जो ये देख रहे हैं यहाँ पे चैन, ये इसलिए लगाई गई है ताकि अगर कोई बंदा बह जाता है पानी के अंदर तेज भाव में तो इस पानी के अंदर अटक जाता है वो इन चैनों के अंदर, और उसको फिर बचाने की उम्मीद सी रहती है लोगों को। उन लोगों को
और यहाँ पे चैन दे रखी है, देखिए ये जो नीचे को चैन जा रही है इसको पकड़ के हम नहा सकते हैं, जैसे खाई नहा रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग एकदम बेहतरीन करी गई है और पानी का बहाव एकदम देख सकते हैं आप कितना तेज़ी से आ रहा है और पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारे माथे पे टीका लग गया है, अब हमने गंगा जी में स्नान कर लिया, बहुत ठंडा पानी था, मज़ा आ गया है पर। और यहाँ देखिए हमारे भाई का माथे पे भी तिलक है और यहाँ पे भी तिलक है, एक पंडित जी आए थे और वो हम लोगों का तिलक लगा के गए हैं, सभी के लगाते हुए फिर रहे हैं यहाँ पे। 10 रुपये दक्षिणा लेके गए हैं, वो भी कम थी, कह रहे थे और दो। तो अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हैं डाक का हमारे जो मुक्ति विधान जल उठाते ही भागने लगे। तो गाइस जो हमारा हरिद्वार कुंभ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अगर आप भी अगर कभी कुंभ में गए हैं या जाने वाले हैं तो हमें बताइएगा आप कब जाने वाले हैं, और अगर आप गए हैं तो हमें एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा आपका कैसा रहा था, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कैसा रहा था। ये हमारे भाई हैं सर, इनसे कहिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो भी देखना प्रकुंद शर्मा चैनल पर जाके। ये सर है हमारे, इनका अपना चैनल है, ये हमारे चैनल पर ही अपना चैनल का प्रमोशन कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी ब्लॉगिंग अच्छी लगे या हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और अगर आप हरिद्वार जाने वाले हैं तो कब जाने वाले हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कभी कुंभ में गए हैं या नहीं, और जो भी आपका एक्सपीरियंस था मज़ा शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।